सपनों के घर को सुंदर बनाता है डैक। आशियाने के अरमान को विश्वास का आधार देता है डैक। मॉड्यूलर फर्नीचर की दुनिया में ऐसा नाम जो अपनी क्वालिटी, फिनिश और स्टाइल के लिए आज ग्राहकों के बीच खास पहचान बना चुका है। डैक का फुल फॉर्म भी होता है ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही रहा कि एक रीजनेबल प्राइस में कंफर्टेबल फर्नीचर, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना करके हम उनको दे पाएँ, और उस थॉट प्रोसेस में हम लोग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। क्वालिटी शुरू से ही अपना बहुत ही एक बैकबोन रहा है, और उसी बैकबोन और उसी वैल्यू बेस प्रैक्टिस पे हमारा पूरी जर्नी रही है सिंस टिम्बर से, और आज भी उस पर कायम है। हम किस कुछ भी फर्नीचर बेचते हैं तो उसकी 20 ईयर्स वारंटी देते हैं, जो कि आज के डेट में कोई भी कंपनी नहीं देती है। गुडविल यानी ग्राहकों का भरोसा, किसी भी कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। डैक फर्नीचर रीजनेबल प्राइस में ग्राहकों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहा है, और यही इस कंपनी की यूएसपी है। देश में तो डैक खुद को मजबूत कर ही रहा है, अब अपने उत्पादों को लेकर बाहर भी धाक जमाने की तैयारी है। तो अभी हम 2-3 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने न्यूजीलैंड में फर्नीचर एक्सपोर्ट किया है कंटेनर, उससे पहले हम लोगों ने पुर्तगाल में किया था थोड़ा सा, और नेपाल में कंटिन्यूस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट और हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस डोमेस्टिक मार्केट में है, और अपना यूपी बिहार हमारा फोकस है। यूपी बिहार के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। डैक अपना नेटवर्क मजबूत कर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ बना रहा है। ये कंपनी अपने विजन और वैल्यू फॉर मनी के सिद्धांत को केंद्र में रखकर नए रणनीतिक साझेदारों के साथ काम करते हुए अपने हर पार्टनर का लाभ भी सुनिश्चित करती है। पार्टनरशिप हम ये समझते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में जो लोग भी आए, उनको उनके रोल के लिए उनका प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसी सिद्धांत पे हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है, राइट फ्रॉम प्लांटेशन। किसानों को हम लोग अच्छे स्पेसीज के टिम्बर को प्रिक्योर करके उनको चाहते हैं कि उनको प्लांटेशन करें, उनसे हम डायरेक्ट परचेज करते हैं। इन हाउस हमारी पूरी टीम है जो लोग वर्किंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो उनको उनके हिस्से का पार्टनरशिप का जो एक तरह से प्रॉफिट है वो मिलता है। डैक फर्नीचर में क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, हर छोटे से छोटे पहलू का बारीकी से ख्याल रखा जाता है। प्लाई, लैमिनेट और लकड़ी को इस्तेमाल करने से पहले एक खास प्रोसेस होता है, ताकि इनका प्रोडक्ट ग्राहक की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरे। नॉर्मली जो भी फर्नीचर लोग बनाते हैं, वो लोग लकड़ी लेते हैं और फर्नीचर बना देते हैं, लेकिन लकड़ी के अंदर मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर बाद में क्या होता है, उससे मॉइस्चर जब उसमें से निकलता है तो लकड़ी फटती है, क्रैक होता है, और उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। तो हम लोग जो लकड़ी परचेज़ करते हैं, उस लकड़ी को पहले हम लोग जो है नेचुरल सीजनिंग करते हैं, उसके बाद उसको चैम्बर सीजनिंग करते हैं। जब चैम्बर सीजनिंग कर देने के बाद उसके अंदर से मॉइस्चर जो लेवल होता है वो बिलो 10 मॉइस्चर हो जाता है। उससे क्या होता है कि लकड़ी कभी उसमें बेंडिंग नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा, कोई कीड़े नहीं लगेंगे, ये इंश्योर हो जाता है। देश के कई राज्यों में डैक फर्नीचर का नेटवर्क मजबूती से स्थापित हो चुका है, और अब बाहर भी इनके प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। बाहर भी हम लोगों की अच्छी खासी डिमांड आई, कि बाहर एक न्यूजीलैंड में एक फर्म है, उसके साथ हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ कि ठीक है, वो हमारे एक्सक्लूसिव फर्नीचर बेचेंगे और हम उनको सप्लाई करेंगे। इसी तरह के और चैनल पार्टनर पे हम वर्किंग कर भी रहे हैं, और इंडिया में तो हमारे एक 72 लगभग डीलर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डैक में फर्नीचर तैयार करने के लिए जर्मन बेस्ड एडवांस मशीनों का इस्तेमाल होता है, ताकि कम से कम वेस्टेज हो और किफायती दामों पर ग्राहकों तक बेहतरीन उत्पाद पहुंच सके। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो काफ़ी हाई एंड मशीन से बनाते हैं। जर्मन बेस्ड मशीन है, बीमसा होती है जो एक कटिंग के लिए यूज़ की जाती है, थ्रूफिट है जो कि ड्रिलिंग है, ये सारी जर्मन बेस्ड मशीन है जिसमें एक्यूरेसी के साथ वो कटिंग होती है। ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को कहाँ से काटें कि वो एक अच्छे ग्रेन्स के साथ और कम वेस्टेज के साथ वो काट पाए। प्लस उसकी ड्रिलिंग होती है जो कि कंप्यूटराइज ड्रिलिंग होती है, वो खुद एक डिज़ाइनिंग होती है कि वो कहाँ कहाँ पे उसकी ड्रिलिंग की जाए कि उससे मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ को निकल पाए। तो वो ड्रिलिंग होती है कंप्यूटराइज, जिससे वो एक ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है वो एक स्ट्रेंथ के साथ मजबूत प्रोडक्ट निकल के आता है।
बात चाहे इसके खूबसूरत डिजाइन की हो, कंफर्ट की हो, किफायत की हो या क्वालिटी की, हर मानक पर डैक अपने उत्पादों को परखता है और ये सुनिश्चित करता है कि ये फर्नीचर बरसों तक ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरे और इसी क्वालिटी के साथ डैक फर्नीचर घर घर तक पहुंचे। ग्राहकों के बीच इसी भरोसे की वजह से ही एबीपी न्यूज नेटवर्क ने डैक फर्नीचर को चुना है यूपी का अनमोल रत्न।